Good morning students, how are you? Today we will discuss exercise 5.2. In this exercise, first question is, a survey was made to find the type of music that certain group of people like in the city. उसको इस ग्राफ से, इस पाई चार्ट से हमने शो किया हुआ है. क्लियर? नाउ इस पाई चार्ट को अच्छे से रीड कीजिए एंड आंसर द फॉलोइंग. पाई चार्ट में क्या गिवन है? सबसे पहले हम पाई चार्ट को देखते हैं. इसमें गिवन है कि क्लासिकल म्यूजिक 10% पीपल्स लाइक करते हैं, फोक म्यूजिक 30% पीपल लाइक करते हैं, लाइट म्यूजिक 40% पीपल्स लाइक करते हैं एंड सेमी क्लासिकल म्यूजिक को केवल 20% लाइक करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड आंसर द फर्स्ट वन. इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक को 20 पीपल्स ही लाइक करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनका सर्वे हुआ है वो कितने हैं? तो क्वेश्चन नंबर वन के लिए सॉल्यूशन नंबर वन. इसके लिए कैसे करेंगे? हम सपोज करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वे कितने पीपल सर्वे हुए इज इक्वल टू एक्स. हमने टोटल पीपल्स मान लिए, टोटल एक्स पीपल्स हमारे सर्वे हुए हैं. अगर टोटल एक्स पीपल्स सर्वे किए गए हैं तो जो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, पीपल टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, कितने लोग हैं वो? 10% ऑफ x कितना होगा? 10% ऑफ x इज इक्वल टू 10/100 इनटू में x. अब हमारे पास गिवन है कि 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक. सो 20 पीपल्स है जो इस क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, तो जीरो से जीरो कैंसिल. नाउ x इज इक्वल टू व्हाट? जो 10 है वो 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स 200. सो टोटल नंबर ऑफ द पीपल्स हु सर्वाइव्ड आर 200. अगर कंडीशन ये होती है तो दिस इज द कंडीशन गिवन है. इन द पार्ट नंबर टू, सॉल्यूशन टू द पार्ट नंबर टू, विच टाइप ऑफ द म्यूजिक इज लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कौन से हैं? 40%. सो लाइट म्यूजिक इज लाइक Light by maximum number of peoples. Number of peoples. Clear? So in the part number third, if the cassette company were to make the 1000 CD, अगर 1000 CD बनाती है, how many each of them would be? Each type would they make? हर किसी कितने कितने टाइप की सीडी बनानी पड़ेगी? चलो let us consider total जो persons थे हमारे यहाँ पर, उसकी जगह हमारे पास हो गया total number of cassettes. तो total कितना हो गया? Total is equal to 1000. अब हम suppose करते हैं total is equal to कितना है? 1000. अगर टोटल 1000 है तो इन्होंने पूछा है कि ईच एंड एवरी टाइप के लिए आप कितने कैसेट्स बनाएंगे. सो फॉर सबसे पहले देखते हैं, फॉर क्लासिकल के लिए हम कितने बनाएंगे? 10% ऑफ 1000. सो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1000. क्लियर ना? द परसेंटेज मींस पर 100 परसेंट और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. सो ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट? 100 कैसेट्स. सो सिंपली फॉर फोक म्यूजिक के लिए कितनी कैसेट्स बनेगी?
नंबर ऑफ सीट इज फोर, नंबर ऑफ सीट इज फोर, ये कितनी है 30% ऑफ 1000, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 300. देन नंबर ऑफ सीट इज फोर लाइट, लाइट म्यूजिक के लिए कितनी सीट बनेगी 40% ऑफ 1000, सो इट इज इक्वल टू 400. एंड द नंबर ऑफ सीट इज फोर सेमी क्लासिकल म्यूजिक इज इक्वल टू 20%, तो ये कितने हो गए ऑफ 1000 इज इक्वल टू 200. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट, इट्स इजियर. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम थ्री गिवन सीजन्स, रेनी, विंटर एंड समर. फॉर समर, समर के लिए हमारे पास 90 वोट्स आए. फॉर रेनी वी गॉट 120 वोट्स एंड फॉर विंटर वी गेट 150 वोट्स. सो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोटेड वोट्स, किस सीजन में सबसे ज्यादा वोट आए हैं? विंटर में. तो इसका सॉल्यूशन ऑफ 4-1, विंटर गॉट 120 या मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, क्या कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स. क्लियर? फॉर द पार्ट नंबर टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर एंड पार्ट नंबर थ्री ड्रॉ द पाई चार्ट. In the second, this is most important one. The seasons are given. Summer, rainy, and winter. Summer season में number of votes कितने हैं? 90. Rainy season में 120 और winter में है 150. Now, before finding the central angle, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? We have to calculate fractions. इनका fractional portion निकालना है. Fraction कितना आएगा? 2. Total कितना है? The sum up is equal to 360. So 90 upon 360. सेकेंड का इसका फ्रैक्शन 120 अपॉन 360 और इनका फ्रैक्शन 150 अपॉन 360. क्लियर? अब फ्रैक्शन आने के बाद सेंट्रल एंगल कैसे निकाले? मल्टीप्लाई ऑल दीज फ्रैक्शन विद 360. नाउ सेंट्रल एंगल 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 90. 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360 वी गेट 120. 150 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360 वी गेट 150. सो दीज आर देयर सेंट्रल एंगल. नाउ हाउ टू मेक द पाई चार्ट, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड. हाउ टू मेक द पाई चार्ट, मेक द सर्कल. सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे. नाउ टेक एनी रेडियस. Now to make the angle, first angle 90 degree with the protractor, then make the 120 degree, now remaining angle should be equal to 150. So these are summer voters, these are rainy voters, and these are winter voters. So now come to question number 3. The table is given.
एक टेबल हमारे पास गिवन है, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल्स, क्लियर। सो इसमें ब्लू कलर को कितने लोग प्रेफर करते हैं, 18% पीपल्स, ग्रीन कलर को 9 पीपल्स, रेड कलर को 6 पीपल्स, येलो कलर को 3 पीपल्स, सो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने गिवन है, 36। सो नाउ यू कैन मेक द पाई चार्ट, बिफोर मेकिंग द पाई चार्ट लेट अस राइट इन द टेबल कलर ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड येलो। सो नंबर ऑफ द पीपल्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पीपल 18, 9, 6 and 3, टोटल कितना है 36। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन फ्रैक्शन में कितना होगा ये 18 अपॉन टोटल, सो टोटल इज 36, टोटल इज 36, 18 अपॉन 36, 9 अपॉन 36, 6 अपॉन 36, 3 अपॉन 36, क्लियर। सो व्हाट इज द वैल्यू गिवन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। नाउ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग दिस फ्रैक्शन विद 360 डिग्री। टोटल एंगल कितने होते हैं 360, सो 18 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 360, 9 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 360, 6 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 360, 3 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 360, सो इट इज इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग वी गेट 80 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, क्लियर। नाउ वी कैन मेक इजीली ए पाई चार्ट फॉर दिस इंफॉर्मेशन। नाउ फॉर द मेकिंग द पाई चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक ए सर्कल, मेक एनी रेडियस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक 180 डिग्री, 180 डिग्री, दिस इज फॉर द कलर ब्लू, नाउ मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री फॉर द कलर ग्रीन, 90 डिग्री, नाउ द मेक द 60 डिग्री एंगल फॉर रेड, 30 डिग्री एंगल फॉर येलो, क्लियर। सो इट्स वेरी इजी टू मेक द पाई चार्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, इन द क्वेश्चन नंबर 4 द एडजॉइनिंग पाई चार्ट मार्क्स अ स्कोर इन द एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट इन हिंदी मैथमेटिक्स इंग्लिश साइंस सोशल साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वाज 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक पाई चार्ट हमारे पास गिवन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को दिखाया गया है। मैथमेटिक्स है 90% मार्क्स आए हैं, 90 डिग्री मार्क्स आए हैं पाई चार्ट के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में 655 डिग्री मार्क्स आए हैं, हिंदी में 70 डिग्री मार्क्स आए हैं, साइंस में 80 डिग्री मार्क्स आए हैं और सोशल साइंस में 65 डिग्री। अब इस डिग्री से हमें कुछ समझ नहीं आएगा, सो वी हैव टू कन्वर्ट दीज डिग्री इनटू द इंफॉर्मेशन। Let us read how to convert these degree into the information. So first question is, in which subject did the student score 105 marks? तो अब यहाँ marks में पूछा गया, हमारे पास कहीं भी marks में description नहीं है except this कि total marks हमारे पास 540. So let us make, हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सबसे पहले subject, clear? Now the subject, after the subject their central angle, and on the basis of the central angle हम इसे fraction में convert करेंगे, in fraction, clear? अभी देखते हैं marks कितने कितने given है, subject कौन कौन से हमारे पास, maths है, maths के बाद English, English के बाद हिंदी, science एंड सोशल साइंस
एंड सोशल साइंस. देयर सेंट्रल एंगल इज गिवन 90 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 65 डिग्री. नाउ व्हाट इज द टोटल सम ऑफ ऑल द डिग्रीज. इसका टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है? सेंट्रल एंगल, टोटल सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय 360. कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री. तो जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 360. तो इसे हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 360 से डिवाइड करना पड़ेगा. क्लियर? लेट्स डिवाइड इट बाय 360. नाउ इट्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 अपॉन 360, 55 अपॉन 360, 70 अपॉन 360, 80 अपॉन 360 एंड 65 अपॉन 360. क्लियर? नाउ अब हमने सबका प्रोपोर्शन निकाल लिया है. दिस इज द प्रोपोर्शन. नाउ वी हैव टू मेक द वैल्यूज. टोटल एंगल कितना है? वैल्यूज इन मार्क्स. मार्क्स के अंदर इनकी वैल्यूज कैसे आएगी? टोटल मार्क्स कितना है हमारे पास? 540. सो मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी फ्रैक्शन बाय 540. सो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 540. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 0 0 2 जा और ये 3 जा पे. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट 135 डिग्री आएगा. 45 3 जा 135. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 55 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 540. सेम 2 पे और 3 पे कैंसिल हो गए. मल्टीप्लाई 165.2 इज इक्वल टू 82.5 डिग्री. नेक्स्ट वन 70 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 540. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 105 डिग्री एंगल. नेक्स्ट वन इज 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 540. इसको सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट वी गेट? 120 डिग्री. नेक्स्ट वन इज 65 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 540. व्हाट वी गेट? 195 बाय 2. इट इज इक्वल टू 97.5. नाउ विच एंगल इज 105? इट इज इजियर टू फाइंड आउट. अब हम आराम से बता सकते हैं कि 105 डिग्री, 105 मार्क्स किस में आएंगे? 105 मार्क्स किस में आएंगे? 105 मार्क्स इट कम्स इन हिंदी. ये किस में आए हैं? हिंदी में. क्लियर? इट्स वेरी इजी. भाई हमें ऐसे डायरेक्ट इसमें देख के नहीं पता लग रहा था. हमने सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में बदला, देन फ्रैक्शन के बाद इसकी वैल्यूज निकाली, मार्क्स निकाले. नाउ इट कैन बी इजिली सीन दैट 105 मार्क्स किस में आए हमारे पास? हिंदी में. क्लियर? नाउ come to the next question. How many more marks were obtained by the student in mathematics than Hindi? अब दोनों के marks हमारे पास हैं. Maths में marks कितने हैं? Maths में हैं 135 marks. It's not degree, it's marks. 135 marks. And Hindi में कितने marks हैं? दूसरा क्या था? Hindi. Hindi में marks अभी भी हमने देखे थे 105. तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? तो मैथ में मार्क्स ज्यादा हैं. कितने ज्यादा हैं? 30 मार्क्स ज्यादा हैं. सो इन द मैथमेटिक्स स्टूडेंट स्कोर 30 मार्क्स मोर देन हिंदी. हम लिखेंगे इसको स्टेटमेंट को. नाउ एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द सोशल साइंस एंड द मैथमेटिक्स. सोशल साइंस और मैथमेटिक्स दोनों के मार्क्स को ऐड करना है. सो मैथ के मार्क्स प्लस एसएस के मार्क्स कितने हुए? मैथ्स के मार्क्स 135 और एसएस के मार्क्स हमारे आए हैं 97.5. तो इनको ऐड करेंगे सो व्हाट वी गेट? 232.5. ऑन अनदर साइड सोशल साइंस एंड हिंदी के मार्क्स, साइंस प्लस हिंदी, इनके टोटल मार्क्स कितने हैं? साइंस एंड हिंदी के मार्क्स 120 प्लस 120 plus 105. So it is equal to
25. सो किसके मार्क्स ज्यादा हुए? मैथ प्लस साइंस के मार्क्स हमारे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू हिंदी और सोशल साइंस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. इन द क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो. कुछ कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश, कुछ मराठी, कुछ तमिल, कुछ बंगाली. ऐसे टोटल 72 स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हैं. अब हमें इनकी पाई चार्ट्स बनानी है. तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास लैंग्वेजेस हैं. लैंग्वेजेस में हमारे पास है हिंदी, देन इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली एंड एटसेट्रा. सो हमारे पास ये 5 लैंग्वेजेस हैं. नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने गिवन है? हिंदी बोलने वाले 40 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 12 हैं, मराठी बोलने वाले 9 हैं, तमिल बोलने वाले 7 हैं और बंगाली बोलने वाले 4 हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड हमें सबसे पहले इस रिकॉर्ड को इन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. इन फ्रैक्शन, तो इसका फ्रैक्शनल पोर्शन क्या होगा? इन फ्रैक्शन में इसे कैसे लिखेंगे? इट्स वेरी इजी. टोटल कितना है हमारे पास? 72. सो नंबर डिवाइडेड बाय टोटल. नंबर कितना है? 40 डिवाइडेड बाय टोटल 72. नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाय टोटल 72. 9 डिवाइडेड बाय टोटल 72. 7 डिवाइडेड बाय 72. 4 डिवाइडेड बाय 72. नाउ सबका फ्रैक्शन आ गया. सो नाउ वी हैव टू मेक द एंगल, द सेंट्रल एंगल. नाउ द सेंट्रल एंगल कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई ईच फ्रैक्शन बाय 360. सो 40 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360. 12 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360. 9 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360. 7 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360. 4 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360. क्लियर? नाउ 72 फाइव्स आर कितना होता है? 360. सो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 200 डिग्री. इसको भी 5 से कर दो 60 डिग्री. 5 से कर दो 45 डिग्री. 5 से मल्टीप्लाई कर दो 35 डिग्री. 20 डिग्री. सो नाउ वी कैन मेक द पाई चार्ट, रिक्वायर्ड पाई चार्ट. सो रिक्वायर्ड पाई चार्ट हमारे पास कैसे बनेगा? मेक दिस सर्कल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द एंगल ऑफ 200 डिग्री. टेक एनी रेडियस, दिस इज 200 डिग्री. नाउ मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. नाउ मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. नाउ मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री. देन रिमेनिंग इज 20 डिग्री. नंबर ऑफ द पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, दीज आर इंग्लिश. It represent Marathi. This 35 degree represent Tamil. And the remaining is Bengali. Clear?